नीट 2024 के परिणामों में 720 मार्क्स लाने वाले के साथ तो इतना निगेटिविटी फैल गई है कि अब उनसे बात करने का कोई मतलब नहीं रहा। तो हम आए हैं आज सीकर के लक्ष्मणगढ़ तहसील के गांव भूमा बड़ा में, जहां स्वीटी ढाका को मिले हैं 715 मार्क्स, और वो भी उस सेंटर से नहीं जहां एक ही सेंटर पे 8 बच्चे टॉपर में आए हों। तो इसलिए स्वीटी ढाका की जाहिर तौर पर मेहनत रही होगी, इंस्टीट्यूट ने और परिवारजनों का सपोर्ट रहा होगा कि 715 मार्क्स आपने नीट 2024 में स्कोर किए हैं। स्वीटी ढाका लास्ट आपका स्कोर था 606, आप वापस लगे, आज आपका स्कोर है 715। नीट 2024 में 715 नंबर आपने स्कोर किए हैं, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। CLC का सपोर्ट रहा, बोस का सपोर्ट रहा, बोस ने बहुत मोटिवेट किया कि बेटा आप कर सकते हो, आप मार्जिनल केस पे रहे हो, आप अगर अपना पूरा पूरा अच्छे से अपना मेहनत करोगे, समर्पण दोगे तो अच्छे से कर सकते हो। ये बहुत अच्छी बात है। स्वीटी ढाका को पिछली बार अटैम्प्ट में 606 नंबर मिले थे, और एक बार फिर से आपने इंस्टीट्यूट पे, इंस्टीट्यूट के सिस्टम पे आपने भरोसा किया, और इस साल आपको 715 मार्क्स मिले हैं। जब आपके परिवारजनों को ये पता चला कि आपने इतनी मेहनत करी और उसके बाद आपका स्कोर 715 रहा है, उनका रिएक्शन कैसा रहा और कैसे उनको पता चला? परिवार वालों का तो ये था कि मेरे को तो ऐसे लग रहा था कि हाँ ठीक है, नॉर्मल था, लेकिन घर वालों को ज़्यादा खुशी थी मेरे से कि उनको एक्सपेक्ट नहीं था कि इतने नंबर आ जाएंगे। लेकिन फिर बाद में जब रिज़ल्ट आया तो देखा तो उन्होंने सोचा कि हाँ भाई अच्छा है, जितना होप कर रहे थे उससे ज़्यादा ही किया है बच्चे ने, तो अच्छा रहा। तो मैं चाहता हूँ कि आप डिटेल में बताएँ कि आपने पूरे साल क्या पैटर्न फॉलो किया। देखो बायोलॉजी में तो बस NCERT बेस्ड है, और NCERT से ही सब कुछ आता है। आप NCERT ढंग से पढ़ोगे, हर एक लाइन को अच्छे से पढ़ोगे, मार्क करोगे कि यहाँ पे ये जो भी जैसे डेटा वाइज होता है, तो जैसे लास्ट में अपन जब पेपर देने जाते हैं तो बाकी तो सब कुछ याद रहता है, लेकिन जब जो डेटा जैसी चीज़ें होती है वो याद नहीं रहती, तो उनको आप हाईलाइट कर दिया करो कि लास्ट में जब पेपर नीट का हो तो मैं वही चीज़ पढ़ के जाऊँ तो मेरे को ऐसे उस टाइम तक याद रहे पेपर में कि हाँ ये ऐसे है। और केमिस्ट्री में तो ऐसे है कि फिज़िकल केमिस्ट्री में टीचर्स ने भी सपोर्ट किया, उसके बाद में फॉर्मूला बेस्ड, आजकल नीट का पेपर वैसे भी ज़्यादा टफ आता नहीं है, बस फॉर्मूला बेस्ड आता है, और कंसेप्ट अगर आपके क्लियर होंगे तो अच्छे से हो जाएगा। और ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी फिर से NCERT है, और फिज़िक्स में बच्चे डरते हैं नीट में, लेकिन नीट जैसी फिज़िक्स, बोर्ड की फिज़िक्स भी नीट से ईजी आती है, मुझे तो ऐसा ही लगता है, क्योंकि बोर्ड में भी अपने को कुछ लिखना पड़ता है, लेकिन इसमें तो बस फॉर्मूला बेस्ड सब कुछ आता है। और इस बार तो मेरे को ऐसा लग रहा था कि जैसे जो पेपर लगे हैं उन्हीं में से नीट का पेपर आया है, लग भी रहा था, क्योंकि यहाँ भी हमारे पेपर ईजी बनते थे, वहाँ भी ईजी बना, और पता चल जाता है कि तुम्हारे कितने आ सकते हैं पेपर में। आपको एक्सपेक्ट कितना किया था कि जैसे 715 आए तो पहले से क्या लग रहा था कितना मार्क्स आ जाएंगे? मेरे को ऐसे लग रहा था 700 तो आ जाएंगे, लेकिन 715 जितना नहीं सोचा था। अच्छा हाँ। चलिए, आप कितने घंटे पढ़ाई करते थे हर दिन? घंटे तो मान लो आप 9-10 घंटे सेल्फ स्टडी तो हो ही जाती है क्लास के बाद में, और जब अपनी हमारी क्लास बंद हो गई तो उसके बाद भी 9-10 घंटे, मतलब थोड़ा बहुत ज़्यादा मान लो, क्योंकि हमारा पेपर लगता था 3 घंटे का, फिर 1 घंटे सॉल्यूशन होता था, फिर 1 घंटे पहले थोड़ा प्रिपरेशन आने जाने वाने में, तो उस हिसाब से थोड़ा बहुत टाइम ज़्यादा मिल जाता था। और हमारे टेस्ट पेपर के बाद सॉल्यूशन होता था, उसका बहुत फ़ायदा हुआ, क्योंकि बच्चे जैसे होते हैं तो वो खुद से तो सॉल्व करते हैं नहीं, जब टीचर सॉल्व कराता है तो सब बच्चों के कॉमन डाउट होते हैं तो वो क्लियर हो जाते हैं, तो उससे भी बहुत फ़ायदा मिला। और टीचर्स, जब बच्चे डीमोटिवेट होते हैं वो तो हो ही जाते हैं, तो टीचर्स ने भी बहुत मोटिवेट किया कि बेटा ऐसे कूल माइंड होके पेपर देना, ज़्यादा वो वैसे मत होना। अच्छा हाँ। CLC में जो टेस्ट होते हैं, कैंप लगता है, असेंबली होती है, इसके बारे में हर कोई बात करता है जो भी CLC से पढ़ा है, आपका एक्सपीरियंस इनको लेकर कैसा रहा, कैसे ये मदद करते हैं, कितने ज़रूरी हैं ये चीज़ें? ये चीज़ें
बहुत ज़रूरी है। और CLC का नाइट कैंप तो मैं कहूँगी हर बच्चे को ज्वाइन करना चाहिए, क्योंकि किसी और कोचिंग में आपको ये फैसिलिटी मिलेगी नहीं जो CLC में मिलती है। तो मेरे को तो ऐसा है कि हमारी वार्डन भी कहती थी कि जैसे अगर मैं कैंप नहीं जाती तो मैं तो ऐसे मैं तो 12 बजे तक पढ़ ही नहीं पाती रूम पे, तो आराम से 8-9 बजे तक तो मेरे को ऐसा लगता कि भाई अब तो नींद आ रही है। लेकिन फिर वार्डन बोलती कि तू दिन का तो मत जा, लेकिन रात का तेरे को जाना ही है कैंप। और वार्डन ने भी खूब मोटिवेट किया, ऐसे रूम पे आके पूछती थी कि इस बार कितने नंबर आए, इस बार तेरे को और अच्छा करना है, ये करना है, वो करना है। और बॉस की मोटिवेशनल असेंबली, उसमें बॉस आते थे और बॉस जैसे बॉस जितनी एनर्जी किसी और में तो कोई और तो उतने अच्छे से करवा नहीं सकता, तो बॉस आते थे तो मेरे को ऐसा लगता था कि बॉस आएंगे तो मेरे को तो जानना ही है असेंबली में। तो और बॉस हनुमान चालीसा बुलवाते थे जिससे एक ऐसे पॉजिटिव वाइब्स आती हैं कि हाँ जैसे अगर अध्यात्म से जुड़े हुए रहते हो तो फिर नेगेटिव ऐसे प्रेशर कम रहता है उन सब चीज़ों का, तो उससे भी फ़ायदा मिला। फिर बॉस को देख के ऐसा लगता है कि हाँ भाई हमारे परिवार के जैसे ही हैं, ऐसे एकदम मन से जुड़े हुए रहते हैं, से बात करते हैं और ऐसे कनेक्टिविटी फील होती है जब बॉस बात करते हैं तो उस टाइम। चलिए बहुत बढ़िया स्वीटी, आपसे फिर बात करेंगे हम कुछ और चीज़ें, लेकिन उससे पहले स्वीटी के दादाजी हमारे साथ हैं, आपसे बात करते बैठे रहिए। आप बताएं आपको कैसा लग रहा है, आपकी पोती ने बहुत अच्छा स्कोर किया, नाम रोशन करने वाले काम किए हैं। लग रहा साहब बहुत बढ़िया लग रहा है, इससे बढ़िया और मेरे लिए खुशी की बात ही क्या। अच्छा जब आपने CLC में स्वीटी का एडमिशन करवाया होगा तो क्या सोचा, इतने सारे इंस्टीट्यूट्स होते हैं, CLC को क्यों आपने सेलेक्ट करा? हर आदमी ने यही कहा कि CLC का रिजल्ट बढ़िया है, बच्चों की पढ़ाई अच्छी होती है, वहाँ अनुशासन अच्छा है, इसलिए इसको। तो अब जब तक स्वीटी वहाँ पढ़ी कैसा एक्सपीरियंस रहा, जो चीज़ें पहले बताई गई थी वैसा ही था? वैसा ही था, बहुत ही बढ़िया हुआ। तो आप खुश हैं जो रिजल्ट आया? बहुत खुश हैं, बहुत खुशी है। बहुत बढ़िया। स्वीटी की दादी जी हैं, स्वीटी की मम्मी हैं। दादी जी आप बताओ आपने कैसे लाग रहे हो? बहुत बहुत धन्यवाद ना, बहुत बहुत बढ़िया लग रहा। मैं तो यहाँ देखा अति अतो भरासा ही कोई कथी नहीं, मुझे एक साल तो भी एक पापा लड़ी थोड़ी क्यों रोसी पर कि थोड़ी थोड़ी यहाँ हुई भाई रोसी तो ठीक ही है। ऐसे बहुत ही मेरी तो उम्र ही ज़्यादा बद गई, मैं बीमार हूँ जो मैं तो आधी बीमारी मिट गई मेरे के थोड़ा सो यहाँ काल दो कम है। जब मैं देख रहा थी जब मेरे थोड़ी आपते बैठा थोड़ी एक लिए जब फिर वो भाई वो समझा तो मन को तो भाई छेड़ थोड़ी हमने पढ़ गई अलान चार समझना तो करो अम्मा तू आ जा मम्मी तू आ जा ते मेरे का नर्सण में बहुत पढ़ी चु पर अम्मा तो बीमार रह गई आ उड़ जा ये ती इन कौन संभाला है देखियो बेटा रियो तू कौन जा। और मेरे यहाँ वह कह मेरे यहाँ बंद मकान में जियो कौन जा मेरे यहाँ थोड़ी सांस की तकलीफ रहे तो मेरे घुटन जा। अब तो बढ़िया लाग रही है, बहुत बढ़िया लाग रही है, बहुत बहुत बढ़िया लाग रही है, बहुत बहुत धन्यवाद है धन। और मुखमन मेरे तो आधी बीमारी कट गई। बहुत बढ़िया सही है। अब स्वीटी की मम्मी है, आपको भी खूब सपोर्ट रही हो स्वीटी ने, आप बताओ कैसे लाग रहे हो आपने बेटी डॉक्टर बनवा जा रही है? मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है बेटी डॉक्टर बन रही है। बेटी को वहाँ छोड़ा था उसने कहा मम्मी मेरे को मन नहीं लग रहा है पहले साल, तो मैंने कहा बेटा मन तो ये पढ़ाई ऐसी होती है पहले साल तो मन नहीं लगेगा। तो उस टाइम तो उसको बहुत ही ऐसे कहा कि मेरे को मन नहीं लगा, वो वापस घर आऊँगी वरना घर तो नहीं आना बेटा, पढ़ाई करनी है आपको। बाद में नहीं किया उसने, बाद में दूसरी साल तो उसने कुछ ही नहीं कहा कि मम्मी मैं तो पढ़ रही हूँ मेरा खूब मन लग रहा है। और वहाँ के वो बॉस की उसका उसको बहुत मोटिवेट किया, वहाँ की असेंबली वहाँ के कैंप पे वहाँ के टीचर्स उनको बहुत मोटिवेट किए। अच्छा जब भी मतलब ख़ास तौर से गर्ल्स स्टूडेंट होती है तो अपने घर की बच्ची को दूर ऐसे हॉस्टल में या इंस्टीट्यूट में छोड़ने में थोड़ा डर लगता है, तो आपने कैसे CLC को सेलेक्ट करा, मतलब ये आपको लगा कि ठीक है यहाँ छोड़ देंगे तो बेटी अपनी ठीक रहेगी सुरक्षित है, मतलब कोई टेंशन वाली बात नहीं है? नहीं हमारे को तो बस ये लगा है हमारे घर की जैसे ही हैं वो हमारे रिश्तेदार ही हैं, हमारे को कोई डर नहीं लगा, बॉस हैं तो सब कुछ है, कोई तकलीफ नहीं हुई। अच्छा हाँ बहुत बढ़िया बात है। तो अब बेटी डॉक्टर बनने जा रही है, और भी बहुत सारे ऐसे पेरेंट्स होंगे जो अपने बच्चों के लिए एक अच्छा इंस्टीट्यूट कोई ढूंढ रहे होंगे, खोज रहे होंगे, सोच रहे होंगे, ऐसे पेरेंट्स को या ऐसी मम्मियों को आप क्या कहना चाहेंगे? उसको ऐसे कहूँगी आप CLC जाओ, CLC जैसी कोचिंग कहाँ नहीं है, वहाँ का माहौल, टीचर्स, वहाँ की असेंबली, वहाँ का कैंप,
जो बॉस ऐसे ऐसे उनको बच्चों को ऐसे मोटिवेट करते हैं वहाँ हैं विजोन को, बहुत बढ़िया है सीएलसी, जय सीएलसी। बहुत धन्यवाद। अब स्वीटी फिर से आपसे बात करते हैं, आप मेरे को बताओ, आपने जैसे टेस्ट के बारे में बात करी, असेंबली के बारे में बात करी, आपका जो आज क्लोज फ्रेंड सर्किल था जिनके साथ आप बैठते थे पढ़ते थे, उनका रिजल्ट कैसा रहा? क्या आप ही सारे सिलेक्ट हो गए? सारे सिलेक्ट हो गए। अच्छा, तो ऐसे मतलब जब फ्रेंड सर्किल होता है तो कभी जैसे डाउट्स, मान लीजिए आपको कुछ दिक्कत है या कुछ ऐसा कन्फ्यूजन है या, तो आपस में आप लोग डिस्कस करते थे? हाँ, आपस में डिस्कस करते थे कि टीचर से तो इतना सारा नहीं पूछ सकते, अब छोटे छोटे डाउट आते तो हम कैंप भी साथ ही जाते थे कि आपस में क्लियर हो जाए वहीं बैठे बैठे। तो कैंप का वो फ़ायदा भी हुआ कि रूम पे हम लोग ऐसे थोड़ा आलस आता है, उतनी जल्दी क्वेश्चन सोल्व नहीं पाते, वहाँ पर हमारी सीटिंग आवर्स बढ़ते हैं, तो ऐसे बैठने की बैठ के जैसे सीटिंग आवर्स बढ़ते हैं तो पेपर भी हमें उसी हिसाब से करना होता है, तो माइंड उसी हिसाब से काम करता है। और यहाँ वहाँ पे हम जैसे फ्रेंड्स साथ में जाते थे तो उसी, तो जैसे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो नहीं आता तो उसी टाइम पे पूछ लिया, और अगर जैसे रूम पे करेंगे तो रूम पे बार बार किससे पूछने जाओगे, तो उस हिसाब से उसका बहुत फ़ायदा रहा। और वैसे हम 4-5 थे तो हम सारे ही सिलेक्ट हो गए, उनके भी नंबर अच्छे हैं। अच्छा, एनटीए ने इस बार जो पेपर बनाया और इतने सारे बच्चों के 720 आए, तो हर कोई इस बारे में बात कर रहा है कि पेपर का लेवल कैसा रहा, कैसा नहीं रहा, क्या इतना कम था कि जिसकी वजह से 720 नंबर आ गए? तो मैं जानना चाहता हूँ सीएलसी में आपके जो टेस्ट होते थे उनमें आपका एवरेज मार्क्स क्या रहा, या हाईएस्ट मार्क्स आज तक आपने कितना स्कोर किया था? हाईएस्ट मेरे 2 बार 700 आए हैं, 700 से ऊपर कभी आए नहीं, और एवरेज मेरा 671 था। और नीट का पेपर तो इजी था क्योंकि उसमें एक तो मैच दे कॉलम ज़्यादा आए थे, असर्शन रीजन के क्वेश्चन आए नहीं, और फिज़िक्स में भी पूरी जैसे थ्योरेटिकल क्वेश्चन उतने अच्छे से बनाए नहीं, तो फिर वो इजी हो गया क्योंकि न्यूमेरिकल तो हम सॉल्व कर लेते हैं, फिज़िक्स में थोड़ा थ्योरेटिकल में बच्चे फंस जाते हैं, तो उस हिसाब से वो ईजी रहा। तो ऐसे मेरे को तो पेपर देख के ऐसे लग भी रहा था कि इस बार बहुत बच्चों के 720 आएंगे, और जो एक क्वेश्चन गलत हुआ मेरे को सेंटर से बाहर आके मेरे पापा को बोल दिया कि पापा एक क्वेश्चन तो गलत हो गया, तो ऐसे पता चल जाता है कि कौन सा गलत हुआ और कौन सा सही हुआ, तो उस हिसाब से। अच्छा, अभी जैसे अब आपका सिलेक्शन हो गया, 715 नंबर आ गए, अभी क्या लग रहा है कौन सा कॉलेज आपको मिल जाएगा, एम्स मिलेगा नहीं मिलेगा? अब एम्स मिल भी सकता है नहीं भी मिल सकता, काउंसलिंग पे डिपेंड करता है, और इतने बच्चों के 720 वालों को नहीं मिल रहा, तो मेरे को वैसे तो थोड़ा कम ही चांस लग रहा है, पर वैसे फिल तो कर ही देंगे एम्स दिल्ली, और हमारा जोधपुर भी है पास में, दिल्ली के और भी अच्छे कॉलेज हैं, तो उस हिसाब से हमारे भैया हैं एक, वो भी दिल्ली में ही हॉस्पिटल में काम करते हैं, तो उनसे भी ऐसे पापा ने पूछा है कि आप बताओ, आप ऐसे डॉक्टर से पूछ के कि कौन से कॉलेज अच्छे रहेंगे, तो उस हिसाब से। चलिए, बहुत बढ़िया बात है। अब कौन सा डॉक्टर आप बनना चाहेंगी? जैसे हर डॉक्टर स्पेशलाइज्ड होता है, तो अब आप डॉक्टर जब बनेंगी, क्या में आपका ज़्यादा इंटरेस्ट है? मेरा इंटरेस्ट तो वैसे उतना ज़्यादा तो सोचा नहीं है, पर ऐसे एक आइडिया है कि मेरे को ऐसे कार्डियोलॉजिस्ट बनना, उस हिसाब से अभी तक तो वही है। हाँ जी, चलिए बहुत बढ़िया बात है। अब आखिर में मैं चाहता हूँ कि बाकी जो स्टूडेंट्स होंगे जो इस वक्त नीट की तैयारी या तो कर रहे होंगे या फिर नीट करने का सोच रहे होंगे, उनके लिए आपका क्या मैसेज है, किस तरीके से वो तैयारी करें, या क्या आप उनको मैसेज देना चाहेंगी अपनी नीट की लर्निंग से? मैं तो यही मैसेज देना चाहूँगी कि आप पहली बात तो ये कि कंसिस्टेंसी बनाएं, क्योंकि नीट का पेपर ऐसा है कि पेपर तो इजी आता है, लेकिन आपका अगर कंसिस्टेंट नहीं हो कि एक दिन पढ़ लिया दूसरे दिन नहीं पढ़ा, तो फिर तो नहीं हो पाएगा। और ऐसे है कि नीट में पेपर बहुत इजी आता है, लेकिन बच्चे गलती यही कर देते हैं, एक तो टेस्ट पेपर छोड़ देते हैं कि फिर टेस्ट ज़्यादा नहीं हो पाते, क्वेश्चन प्रैक्टिस इतनी नहीं हो पाती, तो उस हिसाब से फिर दूसरा ये कि वो इधर उधर की चीज़ों में लग जाते हैं कि मैं ये भी पढ़ लूँ वो भी पढ़ लूँ, तो अपना मेन जैसे जो मटीरियल है उसी से स्टिक रहें, इधर उधर ना भागे, कोचिंग का मटीरियल थोड़ा बहुत, और ज़्यादातर तो NCERT कहूँगी मैं, और सिर्फ पढ़ने से नहीं होता, क्वेश्चन प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है, पढ़ने के बाद में क्वेश्चन अगर सॉल्व नहीं करोगे तो वो सारा माइंड से स्किप हो जाता है, तो क्वेश्चन प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। चलिए बहुत धन्यवाद। क्वेश्चन प्रैक्टिस इसलिए भी ज़रूरी है कि नीट की एग्ज़ाम में आपको बहुत सारे सवाल करने होते हैं, लेकिन उसके लिए समय बहुत ही सीमित होता है, और सीमित समय में अगर आपको सारे क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं तो उसके लिए आपको बहुत अच्छी प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है। अभी तक आप सुन रहे थे स्वीटी ढाका को, 715 नंबर आपने स्कोर किए नीट 2024 में, सीकर के लक्ष्मणगढ़ विधानसभा और तहसील में
भूमा बड़ा गांव है जहां पे आप स्वीटी ढाका का इस वक्त घर देख सकते हैं, उन्हीं के घर से हम ये इंटरव्यू कर रहे हैं। और जानकर बड़ा अच्छा लगा कि बहुत अच्छी तैयारी सीएलसी की मैनेजमेंट टीम और टीचर्स की टीम के द्वारा अच्छे से सब तैयार कराना, परिवार का सपोर्ट और लगातार मोटिवेशन को बनाए रखना स्वीटी ढाका की इस सफलता का राज है। और यही उम्मीद करते हैं कि आने वाले समय में भी इसी तरीके से गांव ढानियों से डॉक्टर्स और इंजीनियर्स बनते हुए हम देखते रहेंगे और उनकी सफलता की कहानियां आप तक पहुंचाते रहेंगे। इस इंटरव्यू के बारे में आपकी जो भी प्रतिक्रिया हो वो आप कमेंट के माध्यम से ज़रूर साझा कीजिएगा। सीकर संदेश के साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।